तोड़ कैसे रहो, रुको तो नहीं, इसको शहीद कर दिया तुमने तो, पुराने टाइम की मस्जिद है ना, नहीं बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, नहीं। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि बावड़ी के तर्ज पर ही एक और मस्जिद गिराने की कोशिश हो रही है या फिर गिरा दी गई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ ही वायरल किया जा रहा है। घटना उज्जैन की बताई जा रही है और इस वीडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि पूछा जा रहा है कि भाई तुम ये मस्जिद गिरा क्यों रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इतनी पुरानी मस्जिद है, कम से कम 500-800 साल पुरानी मस्जिद होने का दावा वहां पर किया जा रहा है और इसे गिरा क्यों रहे हो। इस पर वो कहता है कि आप जाकर पूछ लो। फिर उसका नाम पूछा जाता है तो वो कहता है कि मेरा नाम शाहरुख है। तो सामने जो वीडियो बना रहा होता है वो पूछता है कि शाहरुख के गले में रुद्राक्ष क्या कर रहा है, तो सामने वाला कहता है ये आपको रुद्राक्ष नजर आ रहा है क्या। तो इस विवाद को तूल दिया जा रहा है क्या सोशल मीडिया में, सच्चाई क्या है, क्या वाकई में कोई हिंदू संगठन इस मस्जिद को जबरदस्ती तोड़ रहा है, गिरा रहा है, सच्चाई क्या है, इसको लेकर फैक्ट चेक भी हुआ है। पूरी खबर अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा इस वीडियो में जो चल रहा है उसे भी आप सुनिए, क्या बातचीत चल रही है और कौन है जो उस मस्जिद को गिराने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। किसे मेंबर ने कैसे बोल, किसे मेंबर ने कैसे बोल दिया, ये पुरानी धरोहर है वो तो कैसे तोड़ रहा आप, ये तो बताओ मुझे। तोड़ कैसे रहो, रुको तो नहीं, इसको शहीद कर दिया तुमने तो, पुराने टाइम की मस्जिद है ना, नहीं बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, नहीं। क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है, नाम क्या आपका, आपका क्या नाम है, फालतू में ही नाम, सही नाम बताओ। रुद्राक्ष पहनता शाहरुख, रुद्राक्ष पहनता शाहरुख गले में, हाँ दिख तो रिया है, हाथ हटाओ। तो इस वीडियो में बातचीत भी आपने सुन रखी है और यहाँ आप वीडियो में देख भी रहे हैं कि कैसे इसे तोड़ने के लिए ऑलमोस्ट तोड़ ही दिया गया है। काफी पुरानी मस्जिद मालूम पड़ती है और इसे बड़े आराम से तोड़ा जा रहा है। आमने सामने ना कोई भीड़ है ना कुछ है, फिर भी इसे तोड़ने वाले ये हैं कौन, और ये पूरी तरीके से तोड़ भी दिए गए हैं। इसका अगला वीडियो भी हमें मालूम पड़ा है कि वो वही है और इसमें फैक्ट चेक भी किया गया है कि आखिर माजरा है क्या, क्यों इस मस्जिद को तोड़ा गया है। अब ये देखिए, रूहिन भी शेयर कर रही हैं इस वीडियो को और लिख रही हैं एक और मस्जिद को तोड़ा जा रहा है हुनूद आतंकी द्वारा, यानी कि गैर मुस्लिम के द्वारा। मध्य प्रदेश उज्जैन शहर के बीचों बीच पुरानी मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, इस्लामोफोबिया अपने चरम पर है, रोहिन बी ने इसे शेयर किया। हमने इस खबर को ढूंढने की पूरी कोशिश की तो इससे जुड़ी कोई खबर हमें मिली नहीं, उलट एक फैक्ट चेक इसी ट्वीट में हमें नीचे ही दिख गया, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि इसे भ्रामक तरीके से वायरल किया जा रहा है। मस्जिद तोड़ी गई है लेकिन इसे जिस तरीके से वायरल किया जा रहा है मामला कुछ और है, क्योंकि इस वक्त 22 जनवरी को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद, ढहाने के बाद वहां प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण हुए हैं और वहां प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। तो इस बीच देश में कहीं भी इस तरीके से विवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश भी हो सकती है, इसलिए तमाम समुदायों से अपील है कि शांति बनाकर चलें, कोई विवाद बखेरा ना हो। इस वजह से इस वीडियो को अगर शेयर किया जा रहा है तो फैक्ट चेक भी जरूरी है। डी इंटेंट डेटा नाम के एक ट्विटर हैंडल पर, जिसका काम है प्रोपेगेंडा और मिसलीडिंग खबरों का फैक्ट चेक करना, फिर उसे सबके सामने सच्चाई बताना, तो हमें वो इसी ट्वीट के नीचे दिख गया। हमने इसे देखा तो बात कुछ और निकली है। यह है इनका फैक्ट चेक नंबर 1507। इसमें उन तमाम ट्वीट्स को
क्लब करके लिख दिया गया है कि इंटेंट डेटा वेरीफाइड, ये मिसलीडिंग है। इसमें रूहिन बी का भी नाम है कि एक और मस्जिद को तोड़ा जा रहा हनूज आतंकी के द्वारा। मध्य प्रदेश उज्जैन शहर के बीचों बीच पुरानी मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, इस्लामोफोबिया अपने चरम पर है। और इसी में कासिफ अरसलान का भी ट्वीट है। ये लोग वेरीफाइड हैंडल हैं क्योंकि ये गलती ज्यादा नहीं करते, फिर भी अगर इन लोगों ने शेयर किया है तो इसे इंटेंट डेटा ने फैक्ट चेक के जरिए गलत साबित कर दिया है। लिखा हुआ है मध्य प्रदेश उज्जैन शहर के बीचों बीच पुरानी मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, काशिफ ने लिखा है। जो लोग भी इस इलाके को जानते हो, उज्जैन के जिम्मेदार लोग इस पर पुलिस को सूचना दें। मामला 30 दिसंबर 2023 का है। यहां कई लोगों ने ट्वीट किया, बिलाल खान का भी ट्वीट है। सब ने कहा है कि यह 2023 के आखिरी आखिर का वीडियो है, उज्जैन शहर का है। एक आईडी और है जिसमें ये चांदनी लिखा हुआ है, इसने भी शेयर कर रखा है एक और मस्जिद को तोड़ा जा रहा है हनूद आतंकी के द्वारा, कि ये इस्लामोफोबिया चरम पर है। और इसी वीडियो के स्क्रीनशॉट को, विजुअल्स को शेयर किया जा रहा है, लेकिन डी इंटेंट डाटा ने इस पर ठप्पा लगा दिया है कि ये मिसलीडिंग है। कैसे मिसलीडिंग है, अब इसके पूरे फैक्ट को पढ़ते हैं। एनालिसिस में इंटेंट डाटा ने ट्वीट में लिखा है मिसलीडिंग फैक्ट। A video that shows a religious building being destroyed by some people and a man asking why they are demolishing the centuries-old mosque has been shared, claiming that non-Muslims are destroying the mosque in Ujjain. यहाँ पर है फैक्ट में क्या कि एक वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें एक जो धार्मिक बिल्डिंग है, यानी कि इसे मस्जिद कहिए, मस्जिद डिस्ट्रॉय किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, जिसमें एक आदमी यह पूछ रहा है कि इतने सैकड़ों साल पुराने मस्जिद को तुम क्यों गिरा रहे हो। और इसमें यह क्लेम किया जा रहा है कि नॉन मुस्लिम्स के द्वारा इस मस्जिद को उज्जैन में गिराया जा रहा है। अब इसके अगले पार्ट में आइए, यहाँ पर एक वीडियो क्लिप है जहां पर नीचे पुलिस वाले भी खड़े हैं और बहस भी चल रही है। बहस चल रही है तो इसी बहस में, बातचीत के दौरान पता चलता है कि वोहरा समाज के जो मुसलमान हैं वो इस मस्जिद को गिरवा रहे हैं, आपस में विवाद चल रहा है। यहाँ लिखा हुआ है डी इंटेंट डेटा के द्वारा, फैक्ट इज डेट द मॉस्क इज बीइंग डिमोलिश्ड बाय सिया मुस्लिम्स द बोहरा समाज। पुलिस इंटरवेंड एंड आस्क द एप्लीकेशन फ्रॉम बोथ पार्टीज टू इनिशिएट द इन्वेस्टिगेशन। It is an internal matter of the Muslim community. It has nothing to do with Hindus or other communities. तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने से पहले डी इंटेंट डेटा के फैक्ट चेक पर आपको यकीन करना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ एक फैक्ट यही है कि यह मस्जिद जो डिमोलिश किया जा रहा है शिया मुस्लिम के द्वारा किया जा रहा है, जिसे बोहरा समाज भी कहते हैं। पुलिस इस मामले में दखल देती है और कहती है एप्लीकेशन फॉर्म दिखाइए ताकि हम इस पे जांच आगे बढ़ा सकें, कैसे आप मस्जिद को तोड़ रहे हैं। तो यह एक तरीके से मुस्लिम समुदाय के बीच की अंदरूनी बहस है, अंदरूनी विवाद का मुद्दा है, और यहाँ पर मस्जिद को गिराया जा रहा है। यह वीडियो में भी दिखा है, क्या बातचीत इसमें चल रही है जरा ये भी आप यहाँ सुन लीजिए। बिल्कुल बहुत गलत काम हो रहा है। और ये पूरी मस्जिद जो है 500-800 साल पुरानी मस्जिद हुआ था, समझ के आप हमारे घर में इसका रिकॉर्ड। तो सुन लिया आपने, और डी इंटेंट डेटा ने अपने पॉइंट नंबर 3 में लिखा है ट्वीट में कि इंटेंट एक्सट्रीमिस्ट अकाउंट्स आर सर्कुलेटिंग वीडियोज विद फॉल्स क्लेम्स टू सेट देयर प्रोपेगेंडा बेस्ड ऑन रिलीजन। यहां पर कहा जा रहा है कि चरमपंथी जो भी ट्विटर हैंडल हैं, अकाउंट्स हैं, वो इस वीडियो को काफी तेजी से शेयर कर रहे हैं, लेकिन दावा झूठा है और यह प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, धर्म के नाम पर विवाद खड़ा करने की साजिश भी हो सकती है। इस वजह से फैक्ट चेक पर भी भरोसा करें, इस वक्त हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है। मस्जिद अगर
तोड़े गए हैं, तो इसमें विवाद की गहराई में जाए, कहां मसला है उसे सही करें, क्योंकि पुलिस भी इस वीडियो में अब दिखाई पड़ने लगी है। तो मामला कुल मिलाकर यह है कि खबर मिसलीडिंग करके शेयर की जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।